हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम 31 तारीख यानी कि कल हुई सी की परीक्षा के पेपर टू के लैंग्वेज टू का इंग्लिश पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम पार्ट फाइव डिस्कस करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज टू को इंग्लिश फिल किया था उसके तो क्वेश्चन यह है, यह है यहाँ पे हम लोगों को एक पैसेज दे रखा है जिसमें हम लोगों को स्टोरी यहाँ पे बता रखी है एक ब्राह्मण सोसाइटी की जिसमें एक लड़की है और उसके फादर के क्या थाट है उसके मम्मी कैसे सोच विचार रखती है और साथ ही साथ उसके

क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें यहां पे हमारे सामने कमला देवी मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज पेपर एंड मैगजीन यहाँ पे हमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है और दूसरा है म्यूजिक वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कम्फर्ट टू हर तो देखिए म्यूज़िक को पसंद करती थी ये बात यहाँ पे बोली गई है बट अगर आप लास्ट पैरा को अगर आप रीड करते हैं तो इसके हिसाब से पहला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए इज रॉन्ग एंड बी इज़ राइट अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं ये मैं आप लोगों के साथ आंसर की डिस्कस कर रही हूँ तो पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगी आपको डायरेक्ट आंसर यहां पे बता रही हूं यहां पे हम लोगों को एक स्टेटमेंट दे रखी है जो कि यहां पे पैसेज से ले रखा है ये है विच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन तो देखिए इंबरेज का मतलब क्या है इंबरेस्ड का मतलब है फॉलो यानी कि जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं यहाँ पे पैसेज में इस चीज की बात की जा रही है इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे भी हमें पैसेज से लाइन उठाई गई है जो कि बोल रखा है एन एग्जाम्पल बाई ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज इसमें ओवरकमिंग का मतलब क्या है ओवरकमिंग का मतलब होता है जो उस से, से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है कॉनक्योरिंग ये यहाँ पे करेक्ट बैठेगा इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें यहां पे हमें पैसे की लाइन दे रखी है लिविंग अ लाइफ

जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं इनके क्या आंसर होने चाहिए क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कमला देवी की grandmother के ग्रैंड मदर को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है तो देखिए उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी ट्रेडिशनल थॉट की थी और वो ये बिलीव नहीं करती थी कि हर वुमेन को सिक्योर लाइफ मिले तो देखिए पे फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे भी हमें एक पैसेज दे रखा है जिसमें से हमारे वन से लेकर वन तक के क्वेश्चन दे रखे हैं एक से लेकर एक तक के क्वेश्चन है इस पैसेज के अंदर हमें इंडिपेंडेंस के में बताया गया है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को किस तरीके से चीजों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था फ्रीडम के क्या क्या बेनिफिट हैं यह बता रखा है और अपॉर्चुनिटी किस तरीके से देनी चाहिए जैसे कि यहाँ पे कास्ट सेक्स जेंडर रिलीजन इन सब चीजों के बारे में बता रखा है इसके अलावा जो एजुकेशन है उसे किस तरीके से डिवाइड किया जाना चाहिए तो बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे यहाँ चेंजेस आए और साथ ही साथ इक्वालिटी को जो प्रमोट किया गया इसके बारे में यह पूरा का पूरा पैसेज हमें दे रखा था और पहला क्वेश्चन

पैरा के अकॉर्डिंग भी देखें तो भी आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा और आप अगर इन सेंटेंस पे जाएं तो उस हिसाब से भी पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे बोल रखा है वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटेमाइन द स्कोप इसमें डिटामाइन शब्द क्या है और डेटामाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या है तो देखिए यहाँ पे डेटा माइन का मतलब है हम कोई चीज स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं हम लोगों को स्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे हम लोगों को एक स्टेटमेंट दे रखी है और पूछ रखा है इसमें एंड क्या फिगर ऑफ स्पीच इंडिकेट करेगा तो देखिए एंड जो है वो दो सेंटेंसेस को दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है और जो एंड हो गए बट हो गए इनको हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें यहाँ पे हमसे पूछ रखा है इन एन इंडियन कॉन्टेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि इस पूरे स्टेटमेंट में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कॉन्सेप्ट जो है एक तरीके से आइडिया को बताता है इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछ रखा है द इंडिपेंडेंट वॉज अचीव इन इंडिया इंडिपेंडेंस क्यों अचीव की थी इंडिया ने इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है ताकि हर किसी को रिसोर्सेस अवेलेबल हो हर किसी को चीजें दी जाए यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है लीडर विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बेस्ड ऑन हमारे जो लीडर हैं उनका इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या विजन रहा है यहाँ पे हम लोगों को सेल्फ रियलेंट बनाना चाहते थे यानी कि आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन हम लोगों के पैडागोजी के यहाँ पे पूछे गए हैं यहाँ पे पूछ रखा है मकैनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पोकन स्किल इंक्लूड जो हम स्पोकन स्किल के अंदर मकैनिक्स यूज करते हैं वो क्या है वो यहाँ पे होते हैं प्रोनाशिएशन ग्रामर और वकैबलरी इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट है अभी मैं आपके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही अभी आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता रही हूँ ताकि आप अपने आंसर की से मैच कर सकें अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 137 है जतिन राघव है जो कि रीड कर रहे हैं काफी फास्ट और वो यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो रीडिंग कौन सा सब स्किल मानी जाएगी इसकी यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जो की स्कैनिंग वो यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं जिससे उन्हें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सके अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि कुछ वर्ड के सेट है यहाँ पे टीचिंग लर्निंग में प्रोनाशिएशन में यूज हो रहे हैं जैसे की बिट बिट Did that hit? ड और लिड लेड ये किस तरीके के वर्ड हैं देखिए अगर आप इन्हें बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस देना पड़ रहा है बोलते हुए आप खुद ही इन्हें बोलते हुए देख सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेस और एंटोनेशन का ध्यान रख रहे हैं एंटोनेशन मतलब स्लाइडिंग और राइजिंग कर रहे हैं जब इन्हें बोल रहे हैं आप बोल के इन्हें देख सकते हैं इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन है वर्ड विच वन रिकॉग्नाइज रिकॉगनाइज वन हेयर और सी वन है कुछ ऐसे शब्द जिनको देख के और सुन के रिकॉग्नाइज किया जाता है उनको हम कैसे शब्द बोलते हैं इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सप्लिसिट वोकैबलरी इन्हें हम एक्सप्लिसिट वरी के नाम से जानते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 140। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि फ्री राइटिंग अप्रोच जो है वो राइटिंग में किस चीज को यहाँ पे प्रमोट करती है तो देखिए इस क्वेश्चन को रीड करते ही हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा फ्री राइटिंग तब कर सकता है बच्चा जब उसको अंडरस्टैंडिंग हो किसी कॉन्टेंट की और उसे फ्लुएंसी हो इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ रखा है जो पेडोगॉजिकल ग्रामर होती है इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे ये इंडिकेट किया जाता है कि ग्रामर की टीचिंग किसी कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है इसे हम पैडोलॉजिकल ग्रामर के नाम से जानते हैं इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेट एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोयम पोयम पढ़ाते हुए हमें इनमें से कौन से एलिमेंट को यहां पे असेस नहीं करेंगे किसका आकलन नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रामर हम यहां पे व्याकरण का आकलन नहीं करते सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारे सामने अ टीचर आस्क हर लर्नर टू वॉच अ मूवी 2 डेज एगो एंड नाउ शी आस्क देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन वॉट कुड देखने को कहा और उसके बाद हीरो अप्रोच बच्चे के अंदर लाने की कोशिश कर रही है कि बच्चा अगर उनकी जगह होता तो वो खुद क्या करता तो यहाँ पे क्रिटिकल पैडोलॉजी के थ्रू यहाँ पे असेसमेंट यानी कि आकलन चल रहा है इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फोर है वॉट इन रीडिंग मीन मतलब रीडिंग के टाइम में जब हम फ्लुएंसी लेके आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे मतलब है कि हम यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो भी फ्लोली इस क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस क्वेश्चन में हमें इंडिया के अंदर लैंग्वेज को क्या यहाँ पे रोल दिया गया है इससे रिगार्डिंग हमें यहाँ पे चार अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है तो जरा इनको पढ़ते हैं और उस हिसाब से देखेंगे क्या करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो देखिये ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा अगला है हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ

अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है डेकोरेटिव नॉलेज जो होती है वो ग्रामर में वो क्या चीज यहाँ पे एक्सप्रेस करती है वो ये इंडिकेट करती है कि हम ग्रामर के रूल को ग्रामेटिकल आइटम की नॉलेज किस तरीके से हम लोग बच्चे में ला सकते हैं इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हम रूल को समझ रहे हैं ग्रामेटिकल आइटम में इसे हम डेकोरेटिव नॉलेज बोलते हैं वो भी ग्रामर में यानी कि व्याकरण में अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें अगला क्वेश्चन है हैबिट फॉर्मेशन

यहाँ पे टीचर क्या कह रही है क्लास सेवंथ के बच्चों को कि आप दो से तीन आइटम अपने घर से लेके आओ और आपस में उन्हें एक्सचेंज करो और उसके बारे में आप यहाँ पे टेन सेंटेंस लिखो तो टीचर क्या, क्या कर रही है कुछ रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को यूज करवा रही है ताकि बच्चा उससे कनेक्ट हो सके तो यहाँ पे ये यह जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके का, का काम करेंगे यहाँ पे ये यह रियलिया का, का काम करेंगे इस क्वेश्चन का चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है टीचिंग लर्निंग में वो भी स्पेशली लिसनिंग में टॉप डाउन अप्रोच किस तरीके के कंपोनेंट की तरह काम करता है ये यह यहाँ पे चीजों को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है जब हम किसी चीज को सुन रहे हैं देखिए आप जब सुन रहे हो किसी चीज को तो वहां पे रिकॉग्नाइजेशन का काम चल रहा है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लिसनिंग के लिए किसी टॉपिक को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एक टीचर है जो कि लर्नर को यहाँ पे अरेंज कर रही है वो भी पेयर में उसके बाद उन्हें दो दो पैराग्राफ दे दे रही है और उसमें से जो एक लर्नर है वो क्या कर रहा है उस टेक्स्ट को रीड कर रहा है और दूसरा उस अपने पार्टनर को यहां पे डिक्टेशन दे रहा है तो यहाँ पे ये यह जो प्रोसेस है इस चीज को बार बार रिवर्स किया जा रहा है मतलब एक रीड कर रहा है दूसरा डिक्टेशन रीडिंग डिक्टेशन ये चीज रिवर्स की जा रही है तो ये किस तरीके का अप्रोच माना जाएगा तो देखिए यहाँ पे यह है, इसे हम जिक्स और डिक्टन के नाम से जानते हैं यानी कि जिसमें हम रिवर्स लर्निंग यहां पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है आई होप आप लोगों ने अपने आंसर मैच किए होंगे ये आप लोगों के टू टू के के पेपर में लैंग्वेज इंग्लिश क्वेश्चन थे। अगर आपको बाकी किसी आंसर की की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मैं आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट की, की प्रोवाइड करूंगी आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाय बाय टेक केयर